आपको देखी और सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मामले की कहानी सुनाएंगे जिसे सुन आपके होश पाकता हो जाएंगे। जी हाँ, भले ही सरकार ने महिलाओं को उनकी रक्षा और उनका शोषण रोकने के लिए कई तरह के कानून बनाए हैं, उन्हें समाज में बराबरी का हिस्सा मिले इसके लिए कोर्ट में कई तरह के प्रावधान किए गए हैं, लेकिन समाज में कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस कानून का नासाज फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं, और वे सरकार और कोर्ट द्वारा दिए गए अधिकार का कुछ महिलाएं गलत दुरुपयोग भी कर रही हैं। ऐसा ही एक मामला मोतिहारी के जिला योजना पदाधिकारी पर एक महिला कर्मी द्वारा लगाया गया है, जिसमें कार्यालय कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करने, स्थानांतरण की धमकी देने और गाली गलौज करने की बात कही गई है। हम यहाँ मीडिया एथिक्स और महिला के सम्मान को देखते हुए उक्त महिला कर्मी के चित्र का नाम और खुलासा नहीं कर रहे हैं। हालांकि जिला पदाधिकारी को दिए गए इस आवेदन के बाद जांच कमेटी बनाई गई है जो मामले की निष्पक्षता से जांच कर रही है। उक्त मामले में खबरों के आने के बाद वहीं जब हमने इस बात की सच्चाई जानने के लिए वहां के कर्मियों से बात की तो सभी ने एक स्वर में उक्त अधिकारी को निर्दोष बताया। तो क्या कहना चाहेंगे अंततः, कहना क्या चाहते हैं? अंततः हम ये कहना चाहते हैं कि इससे काफी मनोबल टूटता है एक अच्छे पदाधिकारी का जो काम करने वाला है। काफी मानसिक प्रताड़ना के दौर से हम गुजर रहे हैं और हमको क्या कहें, हमको ईश्वर में पूरी आस्था और काफी तरह की सरकार बाध्यता होती है, हमें एक सरकारी पदाधिकारी हम होते हैं उसी में हम लोग बंधे हुए हैं, अपना जो सरकार का गाइडलाइन है, रूल है, रेगुलेशन है, हमको फॉलो करना है। लेकिन उक्त महिला ने जिनको हम विवाहन कहते थे इस तरह की किसी मर्यादा का ख्याल नहीं रखा, उन्हें एक बार सोचना चाहिए था कि मुझे छोटा भाई कहती थी, उन्होंने अपने निजी हित के लिए मुझे बड़ी हो जाते हैं तो क्या ये मानहानि करेंगे क्या आप? ये तो भविष्य में सोचा जाएगा, भविष्य में देखते हैं क्या। अगर इस आरोपों से बड़ी होते हैं तो आप मानहानि करेंगे क्या? इसमें भविष्य में अपने वकील से सलाह लेकर इस पर हम आगे। थैंक यू जी। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। क्या करते हैं आप? असिस्टेंट योजना जिला योजना। कुछ दिन पहले एक महिला ने आपके अधिकारी पर आरोप लगाया था कि कई लोग ये बदसलूकी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, क्या सब सामने से कोई घटना नहीं है? हम लोग के सामने कोई ऐसी घटना नहीं है। हां, अधिकारी व्यवहारिक है, व्यवहार को सब गलत आरोप है। ऐसा नहीं है कि किसी तरह दवाओं में या करके या फिर आप ये बात कर रहे हैं कि किस चीज़ की दवा? कोई भी किसी तरह अधिकारी का जो वीडियो और फोटो हुआ था कि कार्यालय में सो जाते हैं बहुत पहले के जब एपीओ थे तब का। हाँ, तबियत वे दोनों का खराब था। हाँ, अभी भी तबियत खराब है, लीवर फैटी है ग्रेट से। अच्छा, ये जो जिला योजना पदाधिकारी हैं आपके बॉस हैं, इस कार्यालय में आप काम करते हैं, इन पर कई तरह के आरोप लगे थे पिछले दिन, क्या कहना चाहेंगे? जो महिला का आरोप है क्या वो सही है या फिर गलत है? तो इनका जो वीडियो और फोटो जो सोशल मीडिया पर चाहे अन्य जगह पर ये हुआ है कि सो रहे थे ऑफिस में या कुछ अन्य काम कर रहे थे, तो उसकी क्या हकीकत है? और कहा कि अब तक के कार्यकाल में इन्होंने कभी भी किसी कर्मी से अभद्र बात नहीं की है, तबीयत खराब होने पर वे कभी कभी आराम कर लेते हैं। वहीं इस संबंध में जब हमने उक्त अधिकारी से सवाल किया तो उन्होंने भारी मन से क्या कुछ कहा, ये भी आप सुनिए। बहरहाल जांच रिपोर्ट आने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन कर्मियों की बात और शिकायत पत्र में तालमेल नजर आता नहीं दिख रहा है। कर्मियों के अनुसार स्थानांतरण को लेकर डीपीओ के खिलाफ शिकायत किया गया है। कानूनी संघ न्यूज़ के लिए मोतिहारी से अजीत कुमार की रिपोर्ट।